ओके सबसे पहले म्यूजिकल मुहूर्त पहली बार होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे सर? थोड़ा सा बताइए फिल्म के बारे में हमारी ऑडियंस को, और किस तरह के गाने होंगे इस फिल्म में? सर सेंटर लुक। आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मेरा नाम अफरोज खान है और इस फिल्म का म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, और हमारे साथ हमारे बड़े भाई उस्ताद मोहम्मद सलामत साहब, जो सब जानते हैं हमारे इंडस्ट्रीज़ के लेजेंड नाम, और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे भाई मोहम्मद शफीक सैफी साहब, और इसके जो राइटर डायरेक्टर हैं वो कुमार नीरज जी, बहुत ही टैलेंटेड एक्टर। और कुल मिला के इसमें जो गाने, जो इस फिल्म के गाने हैं, आज पहला मुहूर्त हमारे भाई उस्ताद मोहम्मद सलामत जी के बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज के साथ हुआ है, और वो गाना इन्होंने गाया है जहाँ पे जो गैंग्स ऑफ बिहार में जो ये जो रियल स्टोरी है, अब दर्शक को बड़ा मज़ा आएगा, जहाँ पे किडनैप होते हैं कोई बिजनेसमैन का बच्चा, वहाँ पे ये गाना जो आज हम लोग हमारे सलामत जी ने गाया। और नो डाउट स्टोरी इसकी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी कहानी है, और चूँकि मैं खुद बिहार से बिलोंग करता हूँ, मेरा जहानाबाद घर है, और चूँकि जो दर्द सहता हूँ, चूँकि बचपन से दिल्ली घराने का मैं शागिर्द रहा, और हमारे उस्ताद साहब सलामत भाई भी उसी घराने साथ ताल्लुक़ रखते हैं। इस फिल्म में जावेद अली साहब गा रहे, वैशाली माड़े जी हैं, सना जी हैं, और भी बहुत सारे सिंगर हैं, बट आज का जो गाना है वाकई ऑडियंस को पूरा मज़ा आएगा, क्या बोलते हैं? yes, बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके जो राइटर हैं अमा सोडा साहब हैं, और इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दर्शकों, हमारे फैंस की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी, और मैं पहली बार इस फिल्म के माध्यम से सलामत जी के लिए भी बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ होगा, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर था कि सलामत जी का छोटा भाई भी इस फिल्म के साथ पर्दे पे आ रहा हूँ मैं, और वो अपनी आवाज़ में पंजाबी गाना लेके मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। तो वो गाना मैं बाद में रिकॉर्ड करूँगा, उसका म्यूज़िक बन चुका है, और नो डाउट हम गैंग्स ऑफ बिहार की पूरी टीम को और ख़ासकर मीडिया वालों का मैं दिल से अखिलेश भाई का धन्यवाद करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म इंशाल्लाह 2020 के जून जुलाई तक रिलीज़ होगी, और दर्शक पूरा रोमांटिक्स और आइटम, चूँकि बिहार में लोग बोलते हैं आइटम नहीं, बिहार एक बहुत ही प्यारा राज्य है, और वहाँ पे लोगों का जो सम्मान है, नारी का सम्मान है, बहनों का सम्मान है, बहुत अच्छा है। चूँकि आज हमारे कुछ बोला नहीं चाहिए, भोजपुरी वाले हमारे भाई कुछ गड़बड़ कर दिए हैं, मैं उनसे भी बोलूँगा कि कम से कम सभ्यता का ख्याल में रखें। आज हम लोग जो आइटम सॉन्ग किया है, क्लब सॉन्ग किया है, उसमें कोई वल्गरिटी नहीं है, जो एक माहौल है, जो एंटरटेनमेंट है, वो हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सलामत जी, आप गाने के बारे में बताइए, जैसे सर ने बहुत सारी बातें कह दी है म्यूजिक के बारे में ऑलरेडी, गाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। हमारे अफरोज खान कमाल कंपोजर हैं, बहुत अच्छे कंपोजर हैं, और ये एक बहुत ही अच्छा नगमा है जो मैं गाया हूँ, आइटम सॉन्ग है, और बहुत ही अच्छा लिखा है और बहुत अच्छा कंपोज किया है, मुझे बहुत मजा आया गाने में। सर गाने के बारे में थोड़ा सा बताइए, कौन सा गाना था? और तुझे पैसा दूंगा और प्यार करूंगा, ज्यादा मैं नहीं सुनाऊंगा, दो लाइनें सुना देता हूँ। तुझे पैसा दूंगा और प्यार करूंगा, तुझे पैसा दूंगा और प्यार करूंगा, बहुत ही अच्छा नगमा है, आप ये जब मार्केट में आएगा तो ये धमाल करेगा सॉन्ग, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कौन से सिचुएशन में आएगा ये गाना, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। और तो मैंने बताया ना आपको, ये सिचुएशन क्लब में सब लोग बैठे हुए हैं, गैंग वॉर चालू एकदम से, वहाँ प्रोग्राम चल रहा होता है, और हमारे जो आर्टिस्ट हैं परफॉर्म कर रहे होते हैं, अचानक वहाँ जो बाहुबली हैं उनकी एंट्री होती है, और एंट्री होती ही उसमें उस लड़के को किडनैप किया जाता है, वहीं पर ही है। सर इस फिल्म में टोटल 5 गाने हैं, मूड है एक क्लब का सॉन्ग जो सलामत जी ने रिकॉर्ड किया, दूसरा है हमारा आइटम सॉन्ग जो वैशाली माड़े गा रहे, तीसरा जो है सूफी सॉन्ग वो भी हमारे जावेद अली और सलामत जी दोनों गा रहे हैं। अरे वाह जी, दोनों भाइयों की जोड़ी है, और उसमें एक फीमेल पार्ट भी है, वो भी उसका नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ, और बाकी रोमांटिक सॉन्ग्स में अल्तमश फरीदी जी गाएंगे इंशाल्लाह, और सना जी गाएंगे, और कुल मिला के 5 सॉन्ग है। और मैंने आपको बता दिया कि मैं अपने, चूँकि मेरे बहुत सारे फैंस की रिक्वेस्ट थी कि सर थोड़ा बहुत आप अच्छा गा लेते हो तो एक बार आप भी पर्दे पे आओ, तो हमारे नीरज जी ने उसमें, चूँकि वो भी रियलिस्ट सिचुएशंस है, तो मैं इस बार पर्दे पे अपनी आवाज़ के साथ आ रहा हूँ। बहुत अच्छा गाते हैं मेरे भाई।
मैं मेरा लाइन जो मैं गा रहा हूँ ठीक है मैं सुना दो सर ये बड़ा ही पंजाबी सॉन्ग से बड़ा मस्त गाना है तेनु देखे बिना चैन ना वे तेनु देखे बिना चैन ना वे हो जाने किस लिए दिल घबरावे मेरी जान पे हो मेरी जान पे बन बन जावे तेनु देखे बिना मेरी जान पे बन बन जावे तेनु देखे बिना थैंक यू वेरी मच एक मिनट अब इसी को फोटो सेशन भी हो जाए।